दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल प्रवीण स्पीक में मैं प्रवीण झा स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि टेंशन फ्री कैसे रहें, टेंशन यानी समस्या का कैसे सामना करें, टेंशन को कैसे फेस किया जाए। तो इसके बारे में मैंने कुछ टिप्स रेडी किया है, कुछ नोट डाउन किए हैं, खोज करके कुछ इधर उधर से क्या कहते हैं खोज करके किया है मैंने, कुछ इधर उधर से डिस्कस करके किया है। तो कुछ मैंने ऐसे टिप्स बनाए हैं जिसे मैं चाहूँगा कि आपको पता चले, आपको बताऊँ इस वीडियो के जरिए। तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना, हर एक टिप को नोट करना और अप्लाई करना अपने लाइफ में, ताकि आपको कुछ टेंशन आपको कम हो सके। तो चलिए वीडियो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल की घंटी जरूर बजाना, ताकि आपको ये वीडियो इस तरह का वीडियो आपको पहले मिले। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले आप समझिए कि टेंशन होता क्या है, टेंशन क्यों करते हैं लोग, जो क्यों हमेशा बिजी रहते हैं, टेंशन होने से क्या हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको टेंशन इसलिए क्यों करते हैं। टेंशन का होता है कि जैसे कि मैंने कोई काम ठानी वो काम हुआ नहीं किसी कारणवश, या मुझसे किसी से पैसे लेने थे पैसे मिले नहीं, या किसी को पैसे देने थे मैं पैसे दे नहीं पाया। तो जो नहीं हो पाता उसके लिए आदमी के मन में, माइंड में एक चिंता उत्पन्न होती है या चिंता जागृत होती है, उसे हम लोग कहते हैं टेंशन। टेंशन का मतलब ही होता है चिंता, मतलब कुछ ना होने के वजह से जो दिमाग में कुछ उथल पुथल होती है उसे हम लोग कहते हैं चिंता। तो ये होता क्यों है, इसलिए होता है क्यों नहीं हो पाता है वो चीज़। ये हमारे ऐसा होता है कि हम वो चाहते हैं पर वो हो नहीं पाता, इस वजह से टेंशन होती है, इस वजह से चिंता होने लगती है, इस वजह से कुछ अंदर में जैसे कहते हैं पेट में तितलियाँ होना यानी कुछ घबराहट होना, उसे हम लोग टेंशन कहते हैं। तो कुछ मैं स्टेप्स मैं बताऊंगा आपको जिसको आपको डेली रूटीन में फॉलो करना है। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आपका टेंशन, मैं ये नहीं कहता कि आपको होगा नहीं टेंशन, होगा, लेकिन आप उसे सामना करना सीख जाओगे और वो टेंशन कम होने लगेगा। जैसे लगेगा कि आपको कुछ टेंशन है ही नहीं, आप फ्रीली जी पाओगे, फ्रीली आप सर्वाइव कर पाओगे, ज़्यादा दिनों तक लिव कर पाओगे यानी जी सकोगे, क्योंकि टेंशन से ही सब कुछ होता है, सारी बीमारियाँ होती है, हार्ट अटैक होती है, ब्लड प्रेशर होती है, शुगर होता है, जितने भी आजकल के सबसे ज़्यादा तो हार्ट अटैक होने लगा है, तो जितने भी कुछ भी होते हैं वो टेंशन से ही होते हैं। तो आप अगर जीवन में ये काम करोगे तो आपका, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ये कम हो जाएगा। तो क्या क्या वो स्टेप्स है, फॉलो है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपको सुबह उठना है, अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है आपको, ज़्यादा सोना नहीं है, आप मिनिमम 10 बजे तक सो जाइए और सुबह 5 बजे तक उठिए, 5 बजे से पहले उठिए या फिर 5 बजे तक उठिए, और सुबह उठ करके आप अपने मम्मी पापा के चरण को छुइए, आशीर्वाद लीजिए। सबसे पहले आप सुबह उठ करके अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लें सबसे पहले, क्योंकि कहा जाता है, शास्त्र में भी कहा गया है कि अपने माँ बाप का जो आशीर्वाद लेता है उनको पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको किसी भगवान की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही ही सबसे बड़े भगवान हैं इस धरती पर। तो सबसे पहले आप माता पिता का आशीर्वाद लें, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, मैदान जाइए, ग्राउंड में जाए, या आपने छत पे हैं तो छत पे जाए, घर में हो तो घर में, तो आप एक्सरसाइज करें। उसके बाद आप क्या करें, उस प्रॉब्लम को जो आपका प्रॉब्लम है दिन में, जो प्रॉब्लम है मतलब आपके डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम हो रही है उसे आप फेस करें, भागे नहीं, भागने से वो प्रॉब्लम डबल होकर के आता है। जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम है जैसे आपको किसी को पैसे देने हैं, अगर आप उसको पैसे नहीं दोगे आप उससे बचोगे, मतलब अब वो फ़ोन कर रहा है आपको, आप अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हो, अगर आपको पैसे देने हैं तो क्या होगा, उससे तो क्या होगा, उसका गुस्सा और बढ़ेगा और उसके ऊपर अटैक होगा। अगर आप फ़ोन उठा करके आपको बोल दोगे नहीं भाई मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे एक दो दिन का और समय चाहिए, आप एक दो दिन का और समय दो तो मैं दे दूँगा, या फिर ये भाई ले ये थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट ले लो फिर मैं कुछ दिन बाद आपको दूंगा, ये थोड़ा थोड़ा करके ले लो मैं कुछ दिन बाद दूंगा आपको। तो इस तरह से प्रॉब्लम को फेस करो, अगर आप फ़ोन नहीं उठाओगे तो क्या होगा, वो गुस्सा करेगा और भी वो गुस्सा डबल होकर के आपके पास फेस करेगा, आपके ऊपर अटैक करेगा। तो ये क्या होता है, प्रॉब्लम को आप फेस करो, और सबसे बड़ी बात कि प्रॉब्लम को आप फेस ना करो, प्रॉब्लम को आप लिखो, राइट करो कि आपने उस प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम था आपके डेली में, आज मुझे एक प्रॉब्लम हुआ उसे मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, और उसको मैंने फेस कैसे किया, या फिर फेस किया ही नहीं, फेस किया तो किस तरह से किया। तो हो सकता है आप इसको राइट डाउन करो, आपको जैसे एक दिन दो दिन दस दिन अगर आप राइट डाउन करोगे प्रॉब्लम, तो आपको कुछ प्रॉब्लम समस्याएं मिलेगी, 10 दिन में आपको 10 टाइप के प्रॉब्लम या 100 टाइप के प्रॉब्लम लिखोगे, आप देखोगे कॉमन मिलाओगे, अगर कोई एक प्रॉब्लम आपको 10 दिन में 3 बार मिला है तो आप 3 तरह से आपको उसको फेस किए हो, या फिर किस तरह से आप
आप उस पर काम कर सकते हो कि मैं इसको सॉल्व कैसे कर पाता आगे, अगर मैं इससे अच्छा सॉल्व कर पाता, अगर मैं इससे अच्छा उसको रिप्लाई कर पाता, तो आप इस जो आपने लिखा होगा उसके आप डिस्कस कर सकते हो, उस पर आप खुद से, आप अपने प्रॉब्लम को खुद से आप सोच सकते थे कि मैं इसको सही करना था या मैं इस तरह से करता तो ये अच्छा होता, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको वो प्रॉब्लम हुआ तो आप उसका बेटर रिप्लाई कर पाओगे। तो ये कब होता है, जब आप उस पर काम करोगे, प्रॉब्लम को फेस करोगे, प्रॉब्लम को लिखोगे, तो इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम से निपट सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को आसान बना सकते हो। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको अवॉइड करना पड़ेगा स्ट्रेसफुल सिचुएशन को। अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में आप जैसे कोई सिचुएशन, कोई कोई आदमी होता है कि जानबूझ के कोई सिचुएशन में जाता है, उसका काम ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है। मैं रास्ते से जा रहा था कुछ कोई दो आदमी या तीन आदमी आपस में बात कर रहे थे, तो उसके बीच में मैं टपक करके अपना राय देने लगा, क्यों ज़रूरत है मुझे, अगर वो उसके बीच में, फिर अगर मेरे राय देने से उसके बीच में आपस में झगड़ा हो गया तो फिर ऐसा क्यों करना है, हमको दूसरे के बीच में क्यों टपकना, ऐसा सिचुएशन ही नहीं क्रिएट करना है कि जिसे प्रॉब्लम हो, जिसे दोनों को प्रॉब्लम हो या फिर मुझे भी प्रॉब्लम हो, हो सकता है दोनों मिलकर मेरे ऊपर अटैक करें, तो ऐसा करना ही नहीं है। उसके बाद क्या है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो चेंजेस, एक्सेप्ट थिंग्स यू कांट चेंज, मतलब जिस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हो उसको आप एक्सेप्ट करो। जैसे कुछ होता है जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक नेचुरल एग्जांपल देता हूँ, क्लाइमेट चेंज हो गया, डिज़ास्टर हो गया, आंधी तूफान जैसे आ गया, आंधी तूफान आने की वजह से किसी के फसल, जैसे मैं किसान का एग्जांपल लेता हूँ, फसल नष्ट हो गए, किसान ने बहुत मेहनत की, सालों भर मेहनत की, वो और उसका फसल बड़ा हुआ, लेकिन क्लाइमेट की वजह से उसका फसल ख़राब हो गया, तो उसको क्या करना, उसके हाथ में तो था नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये मैं मान लेता हूँ इस वजह से ख़राब हुआ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इससे क्या होगा कि वो जो सिचुएशन जिस समय बहुत ज़्यादा उसको टेंस्ड होता तो वो नहीं होगा। तो क्या करना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, जो हमसे चेंज ही नहीं हो पाएगा, मैं कितना भी कुछ करूँ मैं चेंज नहीं हो पाएगा, तो उसको एक्सेप्ट करना सीख लें। और उसके बाद डोंट टेक वन मोर देन यू कैन हैंडल, मतलब आप एक से ज़्यादा चीज़ को मत लो अपने ऊपर, मतलब ज़्यादा मत दो ताकि जिससे आप हैंडल ना कर सको, एक से ज़्यादा अपने ऊपर मत लो। होता है ना कि एक आदमी होता है कि जो मतलब सब कुछ लेना ले लेता, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये इधर जाना है उधर जाना, मतलब अपने ऊपर एक सारा काम ले लेता है। जैसे एक आदमी है घर का सारा काम अपने ऊपर लेता, तो क्या होगा उससे, उसके ऊपर टेंशन बढ़ेगा, ये काम नहीं हुआ टाइम पे वो बोलेगा, ये काम नहीं हुआ वो बोलेगा, ये काम होगा वो बोलेगा। अगर आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ऑफिस में एक ही आदमी अगर अकाउंट्स का भी काम करे, स्टोर का भी अकाउंट्स करे, फाइनेंस का भी काम करे, सेल्स का भी काम करे, तो क्या होगा, एक के ऊपर कभी होता है ऐसा, किसी ऑफिस में भी नहीं होगा कि एक ही के ऊपर इतना काम दे दिया जाए तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा ठीक से, और कोई भी टाइमली नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा बात, टाइमली वो जवाब नहीं दे पाएगा अपने मैनेजमेंट को कि उसने ये काम किया कि नहीं किया, सही किया गलत किया, कुछ नहीं, सारा काम गलत हो जाएगा उसका। तो इस वजह से अपने ऊपर एक से ज़्यादा काम मत लो एक टाइम में, आप एक काम पहले करो, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद फिर दूसरा काम लो, तो इस तरह से आप उसको हैंडल कर सकते हो। उसके बाद आता है एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाओ, अपने ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, ओवर एटीट्यूड मत दिखाओ, एक्स्ट्रा एटीट्यूड मत दिखाओ किसी भी चीज़ में, अपने एटीट्यूड को सीमित रखो, ऐसा रखो कि दूसरे को लगे ना कि वो बंदा मेरे सामने एटीट्यूड दिखला रहा है, ऐसा ना हो, नहीं होना चाहिए। अपने मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि अपने एटीट्यूड को पूरा गिरा दो, एटीट्यूड में रहो, लेकिन एक्स्ट्रा एटीट्यूड होता है ना, ओवर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं ये अपने तरफ से मैं ऐड कर रहा हूँ कि आपको जीवन में, अगर आप बड़े हो गए हो, आपके जीवन में छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए जिससे खुशी मिलती है। आप अपने बचपन में जाओ, आप क्या करते थे जिससे आप बहुत खुश होते, या तो होता था कि मैं बता दूँ, मैं जब बहुत खुश होता था तो मैं खेलने जाता था क्रिकेट, बहुत खेलता था। तो इससे क्या होता है कि टेंशन फ्री हो जाता, ऐसा काम करो जो जिसको दुनिया में भूल जाओ, सबको भूल जाओ, दुनिया से अलग हो जाओ, इस तरह का काम करो जिससे दुनिया से अलग हो जाओ, तो इस तरह से भी टेंशन फ्री हो जाता है। होता है किसी किसी का क्या होता है कि म्यूज़िक सुनता है सॉरी ऐसा होता है कि कोई कोई इंसान का क्या होता है, अपने जैसे आप खुद समझ सकते हो, हर इंसान खुद ही समझ सकता, कोई नहीं बता सकता कि आप क्या करने से क्या होगा, आपको खुद ही लगेगा कि मैं सबसे ज़्यादा खुश कब होता हूँ या फिर क्या करने से होता हूँ। तो वही क्योंकि जैसे कोई म्यूज़िक सुनता है तो म्यूज़िक सुन के उसको बहुत ही मज़ा आता है, तो म्यूज़िक सुनो हर टाइम नहीं, कुछ समय आप म्यूज़िक सुनो जिससे आपका स्ट्रेस कम होता हो जाए, आप घूमने जाओ तो आपका स्ट्रेस कम हो जाए, ऐसा करो कि जिससे आप दूसरे से अलग हो जाओ, मतलब आप
अपने में जियो। अब ऐसा काम करो जिससे लगेगा कि आप अकेले हो, मैं ही अकेला हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा काम करो। तो इस तरह का सिचुएशन आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताए कि आपको डेली लाइफ में ऐसे करनी चाहिए। ऐसे करोगे तो आपका निश्चय टेंशन कम हो जाएगा। मैंने कभी टेंशन नहीं आएगा, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं बोलता हूँ कि आपको टेंशन आएगा, आप फेस करना सीख जाओगे, आप इजीली फेस करना सीख जाओगे और रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा लगेगा टेंशन है लेकिन कुछ भी नहीं है, मैं इजीली कर पाऊँगा। आप बेहतर लाइफ जीने लगोगे, आपके चेहरे पर चमक आएगी। तो इस तरह से आप फेस करना सीखो टेंशन को। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, छोटा मतलब थोड़ा सा बड़ा ही हो गया, तो ये बड़ा सा वीडियो था लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो था। मैंने सोचा इसके ऊपर बनाना चाहिए ताकि आज के जीवन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के बीच, और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजाना ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको पहला मिल सके। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।